ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली लाला सो काई गुना रहो। बोले मैया नींद ना आ रही मुकु। बोले अच्छा तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुकु। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूव हुं तदवला। लाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं। हाँ मैया आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं और मैया के उधर के ऊपर हाथ रखो और मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है तो। ठाकुर जी बोले और सीते तुम तो पितो। उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी टटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ उनने राम जी को उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर बिहरतस्ता महारद्रावण। वहां पर विहरण करते 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 तभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर निद्धार्थम जननी कथा मिति हरे। और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए सो ही वो सीता जी को हरण करवे चलो गए। और वाने सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठान लगो ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए। उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो? मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धर से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहां है? मेरा धनुष कहां है? यशोदा मैया घबरा गई। लाला कहां है गो? अरे मेरो लाला कहां है गो? गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया, मेरा धनुष ले गया। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगाया। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे कुबधनु धनु रीति व्याज्ञा गृह पातुन। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा है भाई? बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो। अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जातो रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है, विस्मृत हो जाता है। ये यही बात तुम समझाना चाह रहे हैं कि परब्रह्म जो सदा अपनी सत्ता में रहते हैं वो कैसे भूल सकते हैं? प्रेम में विस्मृत किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, अपनी स्थिति से परे हुआ जा सकता है। सूरदास जी इसी भाव के ऊपर एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी किस प्रकार यशोदा मैया उनको कथा सुनाती हैं और सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी। सब लोग सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा।
नंद नंदन मन आनंद उप जो नंद नंदन मन आनंद उप जो। जैसे एक बालक उसको माँ बोले चल तो एक कथा सुनाऊं, तो बालक जैसे आनंदित हो जाता है ऐसे ही ठाकुर जी भी आनंदित हो गए, तुरंत लेट गए मैया की गोद में। हाँ मैया मुझको कथा सुना। नंद नंदन मन आनंद रूप जो नंद नंदन मन आनंद रूप जो रसिक शिरोमणि देत हुंकारी रसिक शिरो सुते एक कथा कहूँ प्यारी सुन सुते एक कथा कहूँ प्यारी सुन सुते एक कथा कहूँ प्यारी सुन सुते एक कथा कहूँ प्यारी दशरथ नृप जो हते रघुवंशी दशरथ नृप जो हते रघुवंशी तिनके प्रगट भय सुत चारे तिनके प्रगट भय सुत तिन में राम एक व्रत धारी तिन में राम एक व्रत धारी जनक सुता ताकि घर तात वचन सुन राज तज्यो है तात वचन सुन राज तज्यो है भ्राता सहित चले वन आवत कनक मृगा के पाछे आवत कनक मृगा के पाछे राजीव लोचन के रावण हरण कियो सीता को रावण हरण कियो सीता को सुन नंद नंदन नींद बिसारी सुन नंद नंद परमानंद प्रभु रटत चाप कर परमानंद प्रभु रटत चाप कर परमानंद प्रभु रटत चाप कर परमानंद प्रभु रटत चाप लक्ष्मण दे जननी ब्रह्म भारे लक्ष्मण दे जननी ब्रह्म भारे
ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं, मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके लेगो बाकी बात कहा भयो। मैया बोली आके आगे ना ही बताऊंगी बाद ना, तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गयो अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं, और कथा क्या सुनाती हैं, यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते, ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं ही। लाला एक बराह नाम के भगवान हते, ऐसे ठाकुर जी के दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं अगले दिन फिर मैया से कहे मैया बाकी बात कहा भयो, बाकी बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है, और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम् स्वादत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनाति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। बहुत सावधानी से सुनो ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं, सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं, और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में हूं ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे, तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो अपनो सबरो गौ रस मथुरा भेजनो पड़े, और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को ना मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये गौरस गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकारे हम, और गौरस ले जाए मथुरा वाले, और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगो नहीं, या सो बढ़िया एक काम करो चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे, चोरी करवे की बात मत करे बस। और क्यों चोरी क्यों ना करोगे, बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनाए रहो, पतरे दुबरे पतर पूछरा से है गए हो, हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं, पतर पूछ रहा, क्या बोले पतर पूछ रहा। हमारे यहां मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है, क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल हैं धाम धुल्ला से। तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने इनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और हैं पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए तन सुखा, वो तंत सुख हो भयो पतरों सो तन सुखा, और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा, और एक है बेचारो बात कभी भी कहो अरे अपने घर तक कछु ले क्या भोजन पा, लाला हमारे घर में तो चार ही लोग हैं चारन को ही बने और तो बातें ज्यादा बने ही ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा, ये तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे, ग्वाल बाल बोले लाला जो कहोगे सब करेंगे चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे बन्ना करेंगे, बन्ना करोगे बन्ना करेंगे, वो ठीक है कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, आवे की जरूरत नहीं यहां पे।
जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल वाल सब परेशान है गए। वो लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर हमसे दूर जावे की बात मत करे, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले, तीन सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छत्तन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई, और वायु सेना बंदर है, ये सब छत्तन पे कूद कूद के जाएंगे, और थल सेना हमें, हमारे संग दो चार सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निदान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे इनके घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे, नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े भे पौड़े भे, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे रहेंगे कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी, नित्य क्रम है ठाकुर जी का जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा, भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई, सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते, वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे ऊ छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। बहुत ध्यान से सुनो, हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब से देखो वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमन लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी की गौ धूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब ओलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके या वहां में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पहुंचे जाएं, पुजारी जी पहुंचेंगे, गोस्वामी जी क्यों? बोले लाला गैया चरा के आयो, सो धूल मिट्टी में है गयो है। तम गोरज छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारु हासम। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौ धूली का भाव प्रधान है, भाव तो बहुत सारे हैं पर एक यह भाव। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगो क्यों? लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगो, 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में, कब? जन्माष्टमी पर, नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर और घंटी नहीं बजेगी आरती में, क्यों? जोर से घंटी बजा दी लाला डर गो तो घंटी नहीं बजाएंगे, बिना घंटी की आरती होवे ठाकुर जी की, बिना घंटी के ही भोग प्रसाद पाले, क्यों? नंद जी के लाला है, नंद के घर के लाला है, घंटी इनके लाला तो हमारे यहां है, नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुख खवाओ भूख लगी है, नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पामे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पामे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना, आप ही खाऊंगो, खुद खाऊंगो, और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहां गेर दें, कछु नंद बाबा 3 बार नहाए दिन में, क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे, ऐसे ये कुछ कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही है सब वृंदावन के भाव में,
पर कहीं निकुंज की उपासना है ना, निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीज होती है, उसमें मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी, हमारी आपकी जैसी हम खाते वैसी नहीं, मिश्री होगी गेंद जैसी बिल्कुल, वो बनाई जाती है स्पेशल नाथ द्वारा में। बोले काय को, बोले लाला अभी जो सेवा है रही है ये 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 2-4 ही दांत निकले हैं, मसूड़े इनमें खुजली हो गए ठाकुर जी के, सो का करें। बोले मिश्री ऐसी है वहां को लेके खुजा ले अपने यहां पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है, बोले कि लाला माने ना है यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया, कोई गैया जैसी मिश्री, कोई कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री, क्यों लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए, और यही में व्यस्त रहे वे सुमैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेरते हो तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गेरेंगे पक्का है, और तब भी गेर दें तो समझ जाइयो आप ते नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गे रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे हैं कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ से फिसलते नहीं, समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं, क्यों, क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्यन में, अब बार बार आवे बेचारी मैया आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो, मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाए करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई, सो कहा करें, तो दोनों हाथन सो अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं, और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई कोई जीव चले ना दोनों हाथ दोनों पैरन से, ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले इधर देखो सब लोग, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं, धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं, जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कही वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए, पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए, और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम सोवामे से मक्खन घी आदि निकार करके पान लगे, और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है नेके देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं, यशोदा मैया दौड़ करके गई जाके देखो लाला उठो कि नहीं, देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पर लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे, नूपुरन की आवाज नहीं आई मुकू, मैया जैसे ही नेक दूर गई गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम सो एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकार निकार करके प्रेम सो पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है, और अचानक से बोली लाला, अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा गए, मटका भटका तो सब इधर उधर रह गए, हाँ मैया कहा करे कहा कर रो है कछुना मैया, बोले मैंने तेरी बात सुनी
ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई नहीं, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतरी, खंब में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं, और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो है, दारी के चुपचाप खा लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन नेक अपनी मटकी में तो मोकू खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं परब्रह्म हूं। अपने प्रतिबिंब से एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए, वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो कहा वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब तब देखो, बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे हैं तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है, कभी कभी बंदर आते हैं तो अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर अपने ऊपर ही घुर्राते हैं, और अपने ऊपर ही घुर्रा करके खुद ही हाथ मारेंगे और फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मूड़ उड़ मार लेते हैं अपने। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव में एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया है, धन्य। और सुनो एक लीला का एक पद नहीं गाया है, एक ही लीला के पांच पद गाए, पांचों में अलग अलग भाव गाए सूरदास जी, अद्भुत थे सूरदास जी की कृति। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे, बोले चोरी कर ले नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली, बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए, हाँ मैया कहा करे, कहा करे ये चोरी कर रो, ना ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर कहा कर रो, बोले चोर घुसे आओ घर में, याकू भगा रहा हूं मैया, देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है, और मेरे जैसो ही सांवरो है, और मैया जी चोरी कर रो मैं तो याकू भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो दारी मैया मारेगी। तो जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगो। ठाकुर जी बोले मैया देख या की मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहो यहां खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है, और या के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितनो मलूक लग रहा हूं मैं तो, मैया मेरो रूप कितनो सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा हूं यहां पे चोरी कर रहा हूं ना मैया, चोरी तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं, मैया मैं चोरी करूंगा, ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा ना है मैया, मैं चोरी ना कर रहा हूं, तो कहा कर रहा हूं जे तेरे हाथन में माखन काई को लगवा। ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में पद्म राख के अच्छा ठाकुर जी की बाक पटुता बड़ी बढ़िया है, नेक में ही बात बनाते हैं। अच्छा कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसी प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है, रोने लग जाए अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं, झूठ तो बोलते ही है वो क्योंकि प्रेम है वहां पर। ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्म राख के कंगन पहना रखे, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल, तो मेरे एक सखा है मन सुखा, वाने मोसो कही लाला तेरे हाथ जर रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं, बोले हम्बे
और तेरे मुंह पे कहां ते लग गो, ये हाथ जर गए पद्मनाग के कंगनन ते, मुंह कैसे जरो तेरो, ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है। ठाकुर जी बोरे, मैया तू बड़ी बोरी है, मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुकू मुक्ते हाथ लगाने ही पड़ोस मुंह पे लग गए। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गयो। बोले अच्छा, हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर का भयो। अरे मैया तू तो बड़ी बोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे वासो मक्खन, इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकारे और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लग, सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुनकर के यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली लाला तने बहुत गलत काम कियो, चोरी करे तू। मैया नाराज है के रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े जाए मैया मुंह फेरे खड़ी है जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे, मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा, सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब ना करूंगो चोरी पर सांची कह। मैया आज तो चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगो, पर मैया वाके बदले मुकू कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए, पर सांची कह कब लावेगी मुकू तो दुल्हन गोरी। मैया आज ते चोरी करनो बंद, पर वाके बदले मुकू एक सुंदर सी छोरी ते मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली, ढाई बरस को भयो लाला अभी तू, अरे नेक बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी, बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरो ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं बहू है, और जब जब मन करे करे तब वाकू निकार के वास बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा, छोटी सी होए सुभग छोटी, सुवा सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी नाक हो मैया वाकी, देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो, तो जैसी पेनी नाक हो मैया वाकी और आंख मोटी, छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। छोटी सी होए सुभग छो भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना और जैसे ही तोय देख ले तो छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तो ये देख करके घूंघट करके डोले करे और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला, तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती ते कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए। बोले मैया अब ही करा आ जाइ। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना बल दाऊ संग न ले जाऊं, काई को या दाऊ दादा काई को ना लेके जाएगो। अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने आको मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे तो करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगो, मैं तो बहुत परेशान होऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बल दाऊ संग ना ले जाऊं,
मुए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं हसे न वहां की छोरी पर सांची कह कब लावेगी मुँह कुतु दुल्हन गोरी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, बोले कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो अभी गोपिन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे। मैया मेरे हाथ पीरे कर दे आ जाई, अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुकू। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे कु सुंदर घोड़ी। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुनकर के यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहते हैं, विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, कैसा सौभाग्य है यशोदा मैया को। नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं सबके प्रेम की स्थिति एक तरफ है, पर यशोदा मैया को जो सुख दिया है ना ठाकुर जी ने, अद्भुत। सेवा में सखी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, सेवक भाव सब अपनी जगह हैं, पर सेवा में यशोदा का भाव। जब आप सेवा में यशोदा भाव रखते हैं ना तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक मातृभाव में सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, नहीं बन सकता। सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई। लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सवन से बात कर रही है। मैया सवन को बता रही कल पतो लाला कहा कह रो, बोलो मेरा ब्याह करा दो और ऐसे ऐसी बात न कर रो। तब एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो, बोले हाँ करूंगो, कौन ते करेगो, बोले मैया बता दे मैंने कौन ते करूंगो, छोटी सी हो ऐसी नाक हो ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पतो ना है कि ऐसी छोरी कहां मिलेगी, एक काम कर इतनी सारी गोपी बैठी है तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह। माताएं तो ऐसे बोल देती बालक से, तू ढूंढ ले हम में तो जो बढ़िया लग रही हो वही तो ब्याह कर ले। और सुन लाला तू गोद में बैठ जाइयो जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं। अब गोपियां सब विवाहिता हैं बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी है। सो ठाकुर जी सब गोपी के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है याद ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, जे तो धाम दुल्लासी मोटी है मुंह पे बैठ जाएगी यात ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया या के तो दांत ही ना है यात ना कर रो। ऐसी सब गोपी इनके पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बिचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्का रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है, वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपी इनके सामने जा रहे हैं, अत्यंत वयोवृद्धा के वो पंक्ति में भी नहीं बैठी थी, पंक्ति से थोड़ी दूर बैठी थी, अब वयोवृद्ध ने थोड़ी ऊंची पे बैठे नीचे बैठो नहीं जा आदि जो भी भाव नेक दूर बैठी। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए, वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई है, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक, अब उस समय में तो लंबी आयु होती होगी 150-200 साल की अम्मा। ठाकुर जी गए और वाह की गोद में जाके बैठ गए, बोले मैया याते करूंगो ब्याह। सब गोपियां आनंदित हो गई, बोले जय हो लाल जी की, और वही के संग रहने लगे, वह जान नहीं दे, बोले तू मेरी बहू है अब यही रह मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, दो ही है मेरे भी, तेरे भी दो मेरे भी दो। ऐसे ठाकुर जी के बोल बाल कृष्ण लाल की, ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं।
पूरे ब्रजवासियों को, गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी की यह लीला की बलिहारी है। घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करें, एक बहुत अच्छा पद है, छोटो सो कह नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे से। कल गाएंगे, एक बार सबके संग बैठ के एक बार तैयार कर लें फिर गाएंगे। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी, छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने यमुना जी के तीर जाके थाड़ो मारे सैन। सैन को मतलब कार्य, सैन को मतलब कार्य। अब ये तो हमने कही कि गोपीन को देख देख करके ठाकुर, पर सैन को असली मतलब रे ऐसे भौं हिलाते हैं ठाकुर जी उसको कहते हैं सैन। तो जब ये वाली आईब्रो ऊपर जाए तो ये नीचे रहेगी, ये ऊपर जाए तो ये नीचे, ऐसे ठाकुर जी अपने नेत्र मटकाते, इसको कहते हैं सैन। बताओ कोई कर सके? एक एक ही भौं ऊपर मटकनी चाहिए ऐसे ऐसे करके अपनी उठाते हैं भौं, उसी को कहते हैं सैन। यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन, सब गोपीन पर अनुग्रह कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज ने एक और बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए, और 3.5 बरस के ठाकुर जी तो निकल गए अब बाहर, गोपीन के घर में जामे, जा करके चोरी करके आमे, और उन्हीं ऊधमन को गोपियां सब लिखती जा रही हैं। एक दिन सही समय जान करके सबरी गोपी आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना हम देख लेंगे। यशोदा मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? तब सब गोपियां ठाकुर जी की सुंदर लीला का वर्णन कर रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्तधिपय कल्पित स्तेय योगे। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहां चुरा लियो तुम्हारो? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं, तो फिर काय की चोरी? बोले दधिपय, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी और हंसते हंसते बैठ गई। एरी इत कुआ, गोपी पास गई, यशोदा मैया बोली या कुआ में झांक के देख का है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया धोरो, धोरो से कुछ दिख रो, धोरो समझे सफेद को कहते हैं धोरा ब्रज भाषा में, धोरो धोरो से कुछ दिख रो। बोले जी दही को कुआ है और नेक आगे जाएगी मां दूध को कुआ है, और नेक और आगे जाएगी मां घी को कुआ। मेरे घर में कमी ना है, 900,000 गैया है, मेरो लाला दूध ते नावे घी ते नावे, पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया लाला को जलते थोड़ी नवावे, 900,000 गैया है दूध घी ते नवावे। अच्छा लाल जी भी बड़े आनंद वाले हैं ठाकुर जी, पंचामृत अभिषेक होता है ना ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में ठाकुर जीभ निकाल के पी लें दूध है, ऊपर तो यशोदा मैया डाल लिए, ठाकुर जी बीच बीच में खा लें, जैसे घी ते स्नान करावे सो घी को खा लें, फिर ये शक्कर और शहद, यशोदा मैया शक्कर लगावे समझ में आवे, लाला के अंग में घी लग गयो तो शक्कर ते नेक थोड़ो ठाकुर जी को मार्जन है जाए, शहद ते काय को न भावे, ठाकुर जी को बढ़िया लगे, खावे में अच्छो आनंद आवे, हमारी जीभ निकाल लें, बोला हाँ बढ़िया शहद आ गई पाले। तो यशोदा मैया रोज पंचामृत ही नहावे, और रोज नहाते नहीं ठाकुर जी, कभी कभी नहाते हैं। ये बात बड़ी अंतरंग बात है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल सब जगह तो होता है रोज, पर वास्तव में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, कभी कभी नहावे। यशोदा मैया जब यूं लगे कि नहीं लाला आज तो नहीं नहा दूं, सो ठाकुर जी को नहा दे। अच्छा यशोदा मैया नहाती क्यों नहीं है? क्योंकि लाला नहा धो करके जैसे तैयार हो मैं महाराज, यशोदा मैया लगे मेरी नजर लग जाएगी आपको, ले लाला तू बुरो बावरो से ही रहकर कोई की नजर नहीं लगेगी तुमको। और ठाकुर जी को भी नियम है जैसे ही नहा धो के तैयार होंगे
गौशाला में जाके गोबर में ही कूद जाएं। वो तो ठाकुर जी को स्पेशल मेकअप है, वहां के बिना ठाकुर जी को मन ही नहीं लगे, बिंदी उठा उठा करके बना के अपने सिर पे मुंह पे लगा ले। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। तो सब गोपियां शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम्हारे यहाँ दूध खूब है, घी दही खूब है, लेकिन फिर लाला हमारे यहाँ का एक चोरी करे। मैया बोली बालक उनको स्वभाव होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे इनके घर पे खूब जोड़ते खामे। अब नेकाद नेक्स सो मेरो लाला, इतनो स्वभाव को पेट तुम्हारो नेकाद मक्खन वाने चख लियो, तुम शिकायत कर भी आएंगे, शर्म ना आई तुम्हें। एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो आवे खावे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जे पूरी मंडली लेके चले अपने संग में। कौन सी मंडली? बोले मर कान भोक्षण विभजति सचिन। बोले मैया चार पांच ग्वाल बाला तो या के संग में चलेंगे, उन चार पांचन क्यों चार चार पांच पांच ग्वाला और चले, और केवल ग्वाल बाल खा लें लाला खा ले तो भी हमारे मन को संतोष है, चलो बालक हैं ब्रज के खा लें, मर कान भोक्षण बंदरन में लुटा दें। बोले पहले स्वयं खावे फिर बालकन को खवावे, बचो कुचो बंदरन में दे दे। और वाके बाद भी मैया अगर नेकाद मक्खन बच जाए दही बच जाए तो यो नहीं कि हम पे नेक दया करके छोड़ जाए। नात्रि भांडम भिनत्ती, बचे भय मक्खन को फोड़ के भाग जाए मटकी को, अरे मक्खन भी लुटा दे कोई दिक्कत नहीं, मटकी काई को फोड़ जाए। एक गोपी बोली मैं बताऊं काई को फोड़े? बोले हाँ बताओ। बोले मैया मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं कियो हो, तेरे संग का कियो? बोले मैया मक्खन की हंडी फोड़ गयो, फोड़ वे तक तो रहे तो भी ठीक हो, मेरे घर में तो लेपन कर गयो पूरे मक्खन को, चौका लगा गो पूरो। जैसे ही मैं पहुंची मेरो पाम रिपट गयो, सिर के बल गिरी, हाथ पाम सबरे टेढ़े है गए, जैसे मैं बाहर निकल के आई सो उछल तो वह आयो, भाभी जी कैसी है? मैंने की लाला तेने ऐसो कई कियो, मेरे हाथ पाम में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है बहुत दिनाते प्रयास कर रहे, बहुत दिनाते हम लोगों को पेट भरो नहीं, तो भैया इतने दिना पेट भरो नहीं गयो तो आपको आशीर्वाद तो देनो या हमारे दियो, ऐसा उदम मचावे मैया तुम्हारो लाला। सब गोपियां अलग अलग बात बता रही हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे लाला को जन्मदिन हतो, सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खान डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मु पतो तो हती कि लाला चोरी करे, सो वह मीठी दही को भीतर एक 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 मूढ़ा में छुपा करके वह मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य इनको कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने कि लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कछु मीठी मीठी सी, कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायर हो है। सुगंधी सी आ रही है कछु। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई है आज, मैंने मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला तू कुछ चुनौती दे रही हूं, मैंने सुनी है तू घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपाओ ढूंढ ले, आज तू मीठे दही को ढूंढ के दिखा, तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे मिले? मधुमंगल सीताम बोले लाला तो पता दही कहाँ? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतरी तो धरो जा पे बैठी है, वहीं से सुगंधी आ रही, वो तो कैसे पलू चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले तो, मो तू सही में गुरु है मेरो लाला, तो सब पता चल जाए। अब लाला मिले कैसे? गोपी तो भाई ऊपर ही बैठी है मूढ़ा के। ठाकुर जी बोले इन गोपीन को अपनी गैया और गैयान के बछड़ा बछिया बड़े प्यारे हैं,
एक काम कर, या के खिरक में जाके या कि गैया के जितने बछड़ा बछिया सबन को खोल दे और हल्ला मचा दे, अरे तेरी गैया को दूध तो बछड़ा बछिया पी गए और हम कहीं दूर खड़े रह जाएंगे। मधुमंगल बोलो मैं कर दूंगा या काम। बोल कर या। मधुमंगल गयो और महाराज गौशाला को नियम है बछड़ा बछियान की रस्सी खोलो सीधे अपने मैया के थन को पी हुए भागे। माँ ने जाकर के बछड़ा बछिया खोल दिए, दौड़ करके महाराज सबरे थन पान करने लगे। मधुमंगल ने हल्ला, अरे अरे गोपी देख 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 तेरी गैया को सबरो दूध बछड़ा बछिया पी गए। माँ ने उठ के खिड़की में से देखी, महाराज देख करके समझ गई, तुरंत दौड़ी, अरे 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 देखो मेरी गैया को दूध पी गए। जैसे ही गोपी भागी सोई ठाकुर जी भीतर पहुंच गए और भीतर जाके मुड़ा तो दूर फेंको मटका लेके भाज गए माते। गोपी बांध बूंद के अपने बछड़ान को आई, वहां ने भीतर आकर के देखी तो मुड़ा तो दूर पड़ो है मटकी गायब है। पीछे तो ठाकुर जी सिंह दिखा रहे हैं, ले ले हमने तो सो कही हमें चुनौती मत दियो, और ले करके ठाकुर जी भाज गए। मैया ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला, अब बताओ कहाँ करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं नहीं मैं समझाऊंगी लाला को, नाना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगो। बोले तेरे संग कहा भयो। बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुँह बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो। मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे, तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। सो मैया इतनो बुरो मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो, मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों को। और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसो उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगानो पड़ो मुकू। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक सो, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो। बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो, यो करो यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में थे अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे मेरी चोटी खिंचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर वो कहें कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो कहा कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसन लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची, ये सबरी आ गई है इनके सामने, ने डांट तो दूं लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुए। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरों काजर फैल गो, बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बिचारो चलो तो जाए ना भाई, तो मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए, इतनी भीड़, जितने आप बैठे हो उतनी गोपी होंगी, इतनी भीड़ देख के ठाकुर जी तो मैया के पल्लू में जाके छुप गए। मैया तुम को काय को डांट रही है, अरे लाला इस सबरी गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यो कियो तेने यो कियो, या के घर यो कियो, सब गोपियों के। अब देखो सुकाचार्य जी की बात माने तो सुखदेव जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं कि गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर
आरोप लगाए हैं इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलनो जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू वाके पति की दाढ़ी आके चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोचना जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय जय की गद्दी पे, ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें, अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए, ठाकुर जी यशोदा मैया डांटन लगी, सो ठाकुर जी तो रोन लगे और रोते रोते मैया से बोल रहे मैं नहीं माखन खायो मैया मुरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप सब लोग जो पद सुनते हो जो बजता रहता है, मूल पद ये है सूरदास जी का। ठाकुर जी कह रहे हैं भोर भय गैयन के पाछे मधुवन माही पठायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मुरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया सुवेर हेते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और चार प्रहर वंशी वट भट क्यों सांझ परे घर आयो। चार प्रहर तक वंशी भट में मैया धूप ताप गर्मी उमस और सवन को सहन करे तेरो लाला, ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया है, और बीच बीच में सिस्कारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया थको हारो मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस, जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और मैं बालक बैयन को छोटो छीको कह विधि पायो, मैया कितनो छोटो सा हूं मैं, तू खड़ी है जाए तो को भी यो देखूं मैं, इतनो छोटो सो लाला और इनके ऊंचे ऊंचे छीकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया, तू अपने मन पे विचार कर। ग्वाल बाल सब बेर करें हैं भर बस मुख लपटायो, और ठाकुर जी आज सत्य बता रहे हैं, बोले मैया सांच सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर 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 देखो हमारे घर तो चोरी करके जा रहा है, और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गयो जे खा के गयो जे चोरी करके गयो है। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई, जब मैया ने एक भाव से में आई सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो, सो ठाकुर जी बोले मैया तू जननी मन की अति भोरी, मैया तू तो बहुत भोरी है, इनको कहा पछयायो, मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां ते आ जाएगी भावना, लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा जेले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, मैया दल ले अपनी लकुट ले ले अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा दे करोगे, मैं ना चराऊंगा अब ते घर ते मेरो कोई संबंध नहीं, और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा जमुना जी किनारे साधु महात्मा के पास रह करूंगा बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे
छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं, यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि, और दौड़ करके गई लाला को हृदय, अरे ना है लाला, भाजो सबरी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ, मेरो लाला कहीं नहीं जाएगो। सूरदास तब बिहस यशोदा ले सुत कंठ लगायो, और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब गोपीन पर कृपा करें, यशोदा मैया को सुख देवें, यशोदा मैया हृदय से लगा लगा करके लाला को खूब आनंदित है जाएं।